आज के कुछ ही महीने पहले, लगभग 4 महीने पहले लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और इस समय हरियाणा के विधानसभा का चुनाव हो रहा है। मैं समझता हूं कि हमें ही नहीं बल्कि आप लोगों को भी यह लगता होगा, कितना अच्छा होता कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हो जाते तो न तो इतने पैसे की बर्बादी होती और न तो लोगों का को इतना परिश्रम करना पड़ता। इसको देखते हुए हमारी सरकार ने फैसला किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है कि इसी यह जो संसद का कार्यकाल है, इसी संसद के कार्यकाल में बहनों भाइयों हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाएंगे ताकि इस हिंदुस्तान में एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो सके और 100 दिन के अंदर ही चाहे नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, चाहे नगर निगम हो, इन सबके चुनाव भी एक साथ हो जाए, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हो। मैं समझता हूं कि ये आप सभी ने जो हमारी सरकार का यह फैसला है उसको पसंद किया होगा, मेरा ऐसा पक्का विश्वास है। जहां तक हरियाणा की धरती का प्रश्न है बहनों भाइयों, केवल हरियाणा के लोग नहीं, केवल दिल्ली के लोग नहीं, सारे हिंदुस्तान के लोग इस सच्चाई को जानते हैं कि हरियाणा की धरती या किसानों की ही धरती नहीं है बल्कि सीमा की रक्षा करने वाले या जवानों की भी धरती है। यहां का किसान मेहनतकश है, मेहनती है। शायद ही ऐसा कोई गांव हो जहां कोई ना कोई सेना का जवान न मिल जाए अथवा बड़ी संख्या में सेना के जवान न मिल जाए। मुझे बतलाया गया है कि जितने लोग यहां पर मौजूद हैं इनमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके परिवार का कोई न कोई सदस्य इस समय भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। और बहनों भाइयों, जो औलाद आपने पैदा की है, भारत की सीमा की रक्षा के लिए जिस औलाद को आपने सेना में भेजा है, मैं उन्हीं के दमखम के आधार पर आपको भरोसा दिलाता हूं कि दुनिया की कोई ताकत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं कर सकती है। मेरे बहनों भाइयों, मैं हरियाणा के पानी से भी अच्छी तरह परिचित हूं, हरियाणा के रहने वाले लोगों के खून से भी अच्छी तरह परिचित हूं। हरियाणा के लोग देश और समाज के हित के लिए संघर्ष करना जानते हैं और यह परंपरा साल दो साल 10-20-25 वर्षों में प्रारंभ नहीं हुई है बल्कि इसी हरियाणा में कुरुक्षेत्र की धरती है मैं बहनों और भाइयों, यहां पर युद्ध हुआ था और भगवान कृष्ण ने भी गीता का संदेश यदि दिया था तो कुरुक्षेत्र में ही दिया था। 2024 के इस चुनावी क्षेत्र में मैं मानता हूं बहनों भाइयों यह लड़ाई है तो इस बात की लड़ाई है कि हरियाणा राज्य का विकास सर्वाधिक तेजी के साथ कौन सी राजनीतिक पार्टी करेगी और ऐसी राजनीतिक पार्टी चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जिसके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों, ऐसा नेता चाहिए इस हरियाणा राज्य को। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हम लोगों को यदि भनक मिल जाती है कि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो हमारी सरकार इस बात की चिंता नहीं करती है कि सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, झटपट भ्रष्टाचार करने वाले के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, क्योंकि हमारी यह धारणा है राजनीति की जानी चाहिए तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए मेरे बहनों भाइयों तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। और मैं जानता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं हरियाणा के लोगों को गुमराह मत करो। बीते वर्षों में हरियाणा में जितना निवेश हुआ है, जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, जितना पैसा यहां का और बाहर का लगा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हरियाणा के इतिहास में आज तक इतना निवेश नहीं हुआ है जितना कि 10 वर्षों के कार्यकाल में हमारी सरकार ने किया है। मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं, आज से नहीं आ रहा हूं हरियाणा, मैं बरसों से आ रहा हूं मेरे बहनों भाई। कई ऐसे घरों को भी मैंने देखा है यहां पर घरों में रहने वाली माताएं बहने पानी पीने के लिए पानी लाना होता है तो अदल बगल कहीं इधर उधर चली जाती है, हर घर में नल की व्यवस्था नहीं रही है।
पहली बार केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद बहनों भाइयों हम लोगों ने संकल्प लिया इस हिंदुस्तान का हम एक घर भी शेष नहीं बचने देंगे यहां पर कि नल के माध्यम से जल न मुहैया हो जाए मेरे बहनों भाइयों। और मैं समझता हूं किसी न किसी हद तक यहां भी काम हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और कांग्रेस की सरकार, इनके बीच यदि अंतर का सवाल है तो मैं ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा आपको, बगल का राज्य हिमाचल प्रदेश है वहां जाइए क्या हालात हैं। बहनों भाइयों हिमाचल राज्य के हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां की सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है और वहां के कर्मचारी वेतन पाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं, दिए नहीं मिल रहा है और वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं हम भी अपनी सैलरी छोड़ने के लिए तैयार हैं। हिमाचल की कांग्रेस की सरकार ने जो भी वादे किए थे, महिलाओं के लिए कहा था कि हम आपको 1500 रुपया हर महीना देने का वादा करते थे, आज तक इतने महीने हो गए लेकिन हिमाचल की सरकार इस वादे को पूरा नहीं कर पाई। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है, सब तो सब छोड़िए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बहनों भाइयों अखबारों में पढ़ा होगा वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग गए हैं मेरे बहनों भाइयों, गंभीर आरोप लग गए हैं। यह हालत है इस कांग्रेस पार्टी की, फिर भी जनता के बीच आकर वो वोट मांगने की कोशिश करते हैं। ये पार्टी आम आदमी पार्टी, इसकी क्या बात करें। मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी की हरियाणा जैसे बहादुरों के राज्य में कभी कोई हैसियत नहीं बन सकती है बहनों भाइयों। मैं हरियाणा के चरित्र को अच्छी तरह मैं समझता हूं। वादे ये बहुत करते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन सारे इनके वादे जितने होते हैं वह सारे हवा हवाई होते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आप हिंदुस्तान के किसी राज्य में चले जाइए मेरे बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूं हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितनी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है हिंदुस्तान के किसी राज्य ने नहीं दिया है बहनों भाइयों। 24 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारी यहां की सरकार दे रही है। भावांतर योजना भी प्रभावी तरीके से यहां की सरकार ने लागू किया है। हम जानते हैं सच्चाई को, भारत एक गांव का देश है, भारत एक किसानों का देश है, क्योंकि भारत की सीमाओं की रक्षा करने का भी सवाल यदि खड़ा होता है, किसान परिवारों से ही अधिकांश सेना के जवान निकलकर भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, ऐसा देश। आप ये कहेंगे यदि ये किसानों का देश है तो आपकी सरकार ने क्या किया है? एक जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, हमारे प्रेस के जो मित्र हैं, जो जानकारी रखते हैं बहुत सारे विषयों की, उनसे भी मैं कहूंगा मेरी बात गलत हो तो उसको अपने अखबार के पन्नों पर लिख दीजिएगा, हमारी गलती होगी उसके लिए मैं क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि मैं जनता की आंखों में धूल झोंक कर जिंदगी में राजनीति नहीं की है, राजनीति यदि की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है मेरे बहनों भाई। विदेशों में जो यूरिया खाद, मैं भी किसान हूं, जो यूरिया खाद हम खेतों में डालते हैं पता लगा लीजिए, विदेशों में यही यूरिया खाद 3000 रुपये बोरी मिलती है, लेकिन अब भाजपा की सरकार 300 रुपये बोरी मुहैया करा रही है बहनों भाइयों, इसको पता लगा लीजिए। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पहली बार आजाद भारत के इतिहास में हुआ होगा कि किसी प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया होगा कि 6000 रुपये प्रतिवर्ष हम किसानों को मुहैया कराएंगे, अब आगे क्या होगा देखेंगे, लेकिन 6000 रुपये आपको मिल रहा है कि नहीं? हर साल मिल रहा है, इसके पहले की किसी सरकार ने यह कदम नहीं उठाया है। 3.75 लाख करोड़ धनराशि अब तक हम लोग किसानों को किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दे चुके हैं मेरे बहनों भाई। हमारी सरकार किसानों की चिंता करने वाली सरकार है। कभी कभी लोग इधर उधर की बातें करते हैं, हमारे किसान भाइयों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। भारत का मैं कृषि मंत्री रह चुका हूं और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, पहले 14 से लेकर 18% तक का जो ब्याज हुआ करता था मेरे बहनों भाइयों, अटल जी से कहकर
उस 14% से 18% के ब्याज को 8% कराने का काम किसी ने किया था तो सरकार में मैंने ही पहल करके किया था मेरे बहनों भाइयों, 8% कराया था। और उस समय जो किसान आयोग बना था, किसान आयोग के महासचिव को बुलाकर मैंने कहा अगली रिकमेंडेशन जो आनी चाहिए कि किसान यदि कोई बैंकों से कर्ज लेना चाहता है तो 4% से अधिक उसे ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इस सच्चाई का भी कोई पता लगा ले। कर्नाटक की सरकार हमारी थी, मध्य प्रदेश की सरकार हमारी थी। बहनों भाइयों, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आज कृषि मंत्री हैं। उनसे भी मैंने कहा, अपने सारे मुख्यमंत्रियों को मैंने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया था, मैंने कहा कोशिश करिए 4% यह जो ब्याज या सूद जो हमारे किसानों को बैंकों को देना पड़ता है ऐसा हो जाए कि 1% देना पड़े या ब्याज देना ही न पड़े, एक ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। शिवराज सिंह चौहान ने इस काम को मध्य प्रदेश में किया और येदियुरप्पा जी हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे बहनों भाइयों, उन्होंने इस काम को किया। किसान की क्या अहमियत है इस बात को हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। वन रैंक वन पेंशन लागू करने का वादा मोदी जी ने 2014 में चुनाव प्रारंभ होने के पहले ही यहां आकर किया था। उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मोदी जी ने कहा कि अध्यक्ष जी ये बतलाइए कि आज मैं वन रैंक वन पेंशन की घोषणा करने जा रहा हूं। मैंने कहा कि भाई साहब इससे उत्तम काम और क्या हो सकता है, और आकर इसी हरियाणा की धरती पर, किसानों और जवानों की धरती पर वन रैंक वन पेंशन उन्होंने घोषित किया था। तीसरा संस्करण भी वन रैंक वन पेंशन का मेरे बहन भाइयों वह जारी हो चुका है। चाहे जवान हो चाहे किसान हो, हमारी सरकार ने बराबर इस बात की चिंता की है। कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस में इस समय धमा चौकड़ी मची हुई है, धमा चौकड़ी है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अब देखिए, हम लोगों ने तो कह दिया कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन वहां धमा चौकड़ी मची है। कांग्रेस की एक दिग्गज नेता है महिला, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत दिनों तक मुंह फुलाकर बैठी थी, आज भी यदि वह बोल रही हैं तो मैं समझता हूं उनकी जुबान बोल रही है, दिल नहीं बोल रहा होगा मेरे बहन भाइयों। हरियाणा के बारे में मैं कह सकता हूं, हरियाणा का नॉन स्टॉप विकास हुआ है, बिना रुके विकास हुआ है। कांग्रेस की सरकार को भी 10 साल पहले देखा, हमारी सरकार को भी देखा, नौकरी जो मिलती थी बिना खर्ची पर्ची के नहीं मिलती थी। मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों में से किसी को कोई खर्ची पर्ची करनी पड़ी है, देनी पड़ी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहूंगा, यदि गलत फैसला गलत बटन दबा दिया आपने मेरे बहन भाइयों, तो यह हरियाणा जो इस समय लिफ्ट है ऊपर की तरफ जा रहा है, वही हरियाणा बेसमेंट में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, बटन यदि दबना चाहिए तो कमल के फूल का ही बटन दबना चाहिए मेरे बहनों भाई। भारत का कोई भी नेता, दुनिया के किसी देश का कोई भी नेता यदि विदेशों में जाता है, भले ही उसकी सरकार उसके देश में उसकी विरोधी क्यों ना हो, लेकिन बराबर अपने देश की तारीफ करता है। देखा आपने कांग्रेस के साहब का, राहुल जी का, जाकर वहां पर भारत की प्रतिष्ठा को, भारत के मान सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, सिख भाइयों के बारे में कह दिया, गुरुद्वारे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए इसमें परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, कड़ा पहने अथवा न पहने इस संबंध में भी उनको विचार करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं, सिख भाइयों का जो योगदान भारत में भारतीय संस्कृति को बचाने में है बहनों भाइयों, उसको हम भारतवासी किसी भी सूरत में भूल नहीं सकते। आरक्षण के बारे में भी कह दिया, एक समय आएगा जबकि आरक्षण समाप्त कर दिया है। बहनों भाइयों, जब तक यहां पूरा आर्थिक विकास नहीं होता, आरक्षण तो समाप्त करने छोड़िए, जो भी है जो आरक्षण की व्यवस्था हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था बहनों भाइयों नहीं समाप्त होगी, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। जो कहकर जा रहा हूं वही होगा मेरे बहने भाइयों। इस कांग्रेस की हालत तो यह हो गई है, जहां जहां पांव पड़े
यहां यहां पांव पड़े कांग्रेस के तह तह बंटा धार। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने एक अफवाह छेड़ दी, कहा कि साहब हम भाजपा की सरकार बन जाएगी, मोदी जी यदि आ जाएंगे सत्ता में तो भारत के संविधान में बदल देंगे, भारत का संविधान बदल देंगे। बहनों भाइयों, झूठ बोलकर देश की जनता का यह समर्थन हासिल करना चाहते हैं। कौन नहीं जानता इस सच्चाई को? संविधान का 42वां संशोधन यदि किसी ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने किया था, और संविधान की आत्मा को इन्होंने कुचल दिया। और देशवासियों को यह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहां ले जाना चाहते हैं देश को? बहनों भाइयों, हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं बहनों भाइयों, यह हमारे देश की आगे बढ़ने की जो रफ्तार है, इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं। हरियाणा के बारे में एक तथ्य आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, इसका भी आप पता लगा लीजिएगा। यहां का हरियाणा का सकल घरेलू उत्पादन, यानी पूरा धन दौलत जिसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पादन, मोटी मोटी भाषा में मैं कह रहा हूं धन दौलत, हरियाणा की जीडीपी वह 2013-14 में 3,99,268 करोड़ रुपए हुआ करती। अब देखिए, हमारी भाजपा की सरकार ने, चाहे मनोहर लाल खट्टर रहे हों चाहे नायब सिंह सैनी रहे हों, इसको बढ़ाकर 2023 पे ही बहनों भाई लगभग 3 गुना कर दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूं, यह सच न हो तो कांग्रेस ये कंडम करे, हमारी सरकार ने क्या क्या नहीं किया है खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ाने के लिए। मैं जानता हूं यहां सेना के जवान हो, यहां दिग्गज खिलाड़ी भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1972 के पैरालंपिक खेलों में एक जीतने वाला यहां का सेना नौजवान मुरलीकांत पेटकर को मोदी जी ने 36 साल बाद पद्मश्री देने का काम किया, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। चौधरी शरण सिंह को भी भारत रत्न न तो कांग्रेस की सरकार ने दिया न तो अन्य किसी सरकार ने दिया। पहली बार किसान मां की कोख से पैदा हुए चौधरी शरण सिंह को भारत रत्न, जो सर्वोच्च सम्मान होता है इस देश का, उससे नवाजने का काम यदि किसी ने किया था तो मेरे बहन भाइयों हमारी सरकार ने किया है। यह किस मुंह से बात करते हैं लोग? कांग्रेस के लोगों के अंदर जो हिम्मत है, 10 साल से हमारी सरकार के अंदर में चल रही है, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे, इन लोगों की भी हुकूमत आपने देखी है? मेरे बहनों भाइयों, शायद ही ऐसी कोई कांग्रेस की सरकार रही हो उसके मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। और इतना ही नहीं, एक सरकार तो कांग्रेस की ऐसी थी कि मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन मंत्री रहते उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी। बहनों भाइयों, भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। वो लोग हम सबको ये पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये क्या करना चाहते हैं? ये श्राप दे रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, आयु में हम लोगों से बहुत बड़े हैं, 85-86 के या 84-85 जो भी उम्र हो उनकी। बहनों भाइयों, मैं उनका खड़गे जी का, श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल शायद कहीं पर मंच से बोलते बोलते उनको चक्कर आ गया था या कोई प्रॉब्लम हो गई थी, सुरक्षा के जवानों को उनको हटाना पड़ा पकड़कर। लेकिन जब सुरक्षा के जवान पकड़कर ले जा रहे थे तब भी कह रहे थे कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक कि मोदी को कोशिश नहीं उतार लूंगा। खड़गे साहब, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहूंगा, कलयुग की मर्यादित आयु 125 वर्ष की होती है। परमात्मा करे कि आप 125 वर्ष तक जिंदा रहें और 125 तक आप वर्ष तक जिंदा रहें और तब तक मोदी जी भी भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने खुद ही कहा है,
जब तक मोदी सत्ता से नहीं हट जाते तब तक मैं जिंदा रहूंगा। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं अब आप 125 साल जिंदा रहें, यही कलयुग की मर्यादित आयु है, ताकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने रहे और भारत का मस्तक अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऊंचा होता रहे। बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं भारत का रक्षा मंत्री रहते हुए दुनिया के कई देशों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त होता है। पहले भी मैं दुनिया के देशों में गया हूं। भारत की वह प्रतिष्ठा नहीं थी जो आज प्रतिष्ठा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं सुनती थी, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है, यह भारत की हैसियत बनी है। मैं कई सार्वजनिक सभाओं में उदाहरण दे चुका हूं, आपने देखा होगा, इसमें रूस और यूक्रेन का की लड़ाई पिछले 2 सालों से चल रही है, 2 साल से भी अधिक समय हो गए। जब लड़ाई शुरू हुई थी उसी समय हमारे यूक्रेन के भी, यूक्रेन में हमारे भारत के बहुत सारे बच्चे, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, मैंने कोई तरह तरह की। वहां पर जब युद्ध शुरू हो गया, रूस की तरफ से भी बम दो गोले, यूक्रेन की तरफ से भी बम दो गोले, मिसाइल जब चल रहे थे, तो हमारे भारत के बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ते थे उनके माता पिता जो भारत में रहते हैं उनको बहुत चिंता हुई, वो घबरा गए और उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो जाए आप हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकालकर भारत ले आए। मेरे बहनों भाइयों, जहां तक मेरी जानकारी है लगभग 30,000 भारत के रहने वाले बच्चे यूक्रेन में पढ़ते थे। करिश्मा देखो मेरे बहनों भाइयों, भारत की ताकत देखो, प्रधानमंत्री की ताकत देखो। इस प्रधानमंत्री को दुनिया के 20 देशों का सम्मान प्राप्त, सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है, किसी को नहीं हुआ। मोदी जी ने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और मेरे बहनों भाइयों, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 से अधिक बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत, रक्षा के दृष्टि में भी, डिफेंस के मामले में भी भारत ताकतवर भारत बन रहा है। अब हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पहले बम तो गोले मिसाइल सब कुछ बाहर बनती थी, जानते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, एक के बाद एक रक्षा से संबंधित घोटाले कांग्रेस के समय में हुए। कभी बोफोर्स घोटाला हुआ, कभी पंडुब्बी घोटाला हुआ, कभी हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ, मैंने घोटालों पर घोटाले, कभी जीप घोटाला हुआ, घोटाले पर घोटाले। लेकिन बहनों भाइयों, क्या आप बतला सकते हैं कि हमारी सरकार के ऊपर 10 वर्षों में एक भी रक्षा घोटाले का कोई आरोप लगा हो? ये लोग ये चाहते थे बराबर रक्षा से संबंधित सारी चीजें दुनिया के दूसरे देशों में बनती रहे, भारत में बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अब दुनिया के दूसरे देशों से हम खरीदते रहेंगे। तो बहनों भाइयों, जो दुनिया के दूसरे देशों से खरीद की जाती है उसी में घोटाले हुए हैं, उसी में कमीशन मिलता है मेरे बहनों भाइयों, उसी में कमीशन मिलता है। इसीलिए उन लोगों ने भारत को रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन भारत रक्षा के मामले में भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और मैं बताऊं, 2013-14 में जो हम लोगों की सरकार बनी थी उसके पहले कांग्रेस के समय में 600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था रक्षा के चीजों का, कोई कल पुर्जे इधर उधर छोटी मोटी चीजों का जो डिफेंस से संबंधित थी, रक्षा संबंधित, इनका एक्सपोर्ट होता था, दुनिया के दूसरे देशों को भेजते थे, केवल 600 करोड़ रुपए का। बहनों भाइयों, आज इतने ही दिनों में हम 23,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 23,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और 2029-30 आते आते बहनों भाइयों बम तो गोले और मिसाइल भारत की धरती पर बन रहे हैं, आगे और तेजी के साथ बनेंगे। अब 2029-30 समाप्त होते होते मेरे बहनों भाइयों 50,000 करोड़ से ज्यादा का हम एक्सपोर्ट करेंगे।
रक्षा के मामलों में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपका भरपूर समर्थन मिलना चाहिए बहनों भाइयों। जहां तक यहां का प्रश्न है, हमारी सरकार ने क्या क्या वादे किए हैं आपको जानकारी होगी। सभी महिलाओं को, माताएं बहनें आप लोग सुन लेना, सभी महिलाओं को 2100 रुपया प्रतिमाह लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत मिलेगा। लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2100 रुपया प्रत्येक परिवार का 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। आज जो 70 वर्ष के ऊपर हो गए हैं, पूरा सुन लीजिए, प्रत्येक परिवार का 10 लाख रुपया मुफ्त इलाज। 70 वर्ष के जो ऊपर हो गए हैं, हमारे प्रत्याशी सुनील सांगवान जी के पिताजी, जो अभी भी आपके साथ बोल रहे हैं, अब इनका भी उसके 10 लाख के अलावा 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज इनका भी होगा, जितने भी 70 साल के ऊपर हैं। 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद का सिलसिला यह जारी रहेगा। मेरी बात आओ बहनों, गैस सिलेंडर कितने में खरीदती हो आप, मालूम है गैस सिलेंडर कितने में मिलता है? वो हाथ उठा रहे हैं, कितने में? अरे राम राम, 1000 1100। अरे बाप, अब मैं बात, 500 रुपए में हर गृहिणी, घर की गृहिणी योजना के अंतर्गत 500 रुपए में सिलेंडर। क्यों, यही हुआ है ना, 500 रुपया में सिलेंडर देने का वाला, 500 रुपया में सिलेंडर मिलेगा। और ग्रामीण इलाकों में कॉलेज जाने वाली हर छात्रा को स्कूटर मिलेगा अथवा स्कूटी मिलेगी। हरियाणा के हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी मिलेगी मेरे बहनों भाई। ऐसे कई फैसले, मैं सारी चीजों की चर्चा करूंगा, बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस समय हरियाणा में जो नॉन स्टॉप जो डेवलपमेंट हो रहा है, नॉन स्टॉप जो विकास हो रहा है बहनों भाइयों, उस पर फुल स्टॉप मत लगने देना, यही अपील करने के लिए आप सबके बीच में आया। और हमारे सुनील सांगवान जी, इनके दोनों बच्चे सेना में, आप ये कल्पना कर सकते हैं इस परिवार की कितनी प्रतिबद्धता है देश के प्रति। और बहनों भाइयों, मैं जानता हूं बहुत पारखे हैं, अब सांसद भी आप चुनते हैं तो चौधरी धर्मवीर सिंह जैसे इंसान को चुनते हैं, आपके नजदीक के हैं, घर की मुर्गी साग बराबर। आपको नहीं मालूम होगा हमारे धर्मवीर सांगवान जी की हैसियत। बहनों भाइयों, धर्मवीर सांगवान का सारे सांसद संसद में सम्मान करते हैं, इनकी ईमानदारी की, इनकी कर्मठता और इनकी बेबाकी की। तो आज मैं सुनील सांगवान जी, इनके लिए आया हूं कि बहनों भाइयों, भारी मतों से विजय दिला दी, भारी मतों से, रिकॉर्ड तोड़ मतों से। और हमारे प्रेस के दोस्तों, एक बार अपना कैमरा उधर घुमा लीजिए, देखिए, एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाकर बतला दीजिए हमारे सुनील सांगवान जी को पूरा समर्थन मेरे बहनों भाइयों। बजाते रहिए जब तक आपकी फोटो न हो जाए, बजाते रहिए। वाह, आज यह संदेश सारे हरियाणा को चला जाएगा कि हरियाणा में यदि सरकार किसी की बनने जा रही है तो स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहनों भाइयों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।